नमस्कार सतगुरु आप दोस्तों, मैं हूं सुंदर वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में पहुंचा हुआ हूं, यह रूपनगर का चौक और आपको इस समय हम नज़ारा करवा रहे हैं मेन चौक से और आपको एक बोर्ड दिखाएंगे यहां पर लिखा हुआ जेडीए क्लब। यहां से कुछ ही दूरी पर चल के हम आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं और पहले हम आपको यहाँ पर मेन अप्रोच रोड दिखा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को पहुँचने के लिए। ये मेन अप्रोच रोड है और आप इस चौक को याद रखिएगा। इस चौक में आपको बहुत सारे जो हैं फास्ट फूड और यहाँ पे शोरूम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बस यहीं से आपने डाइवर्ट होके जहाँ पे जिस बोर्ड पे लिखा हुआ जेडीए क्लब, वहाँ से आपने एंटर करके आगे की तरफ चले जाना है। दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ उस साइट के बिल्कुल सामने, उस प्लाट के बिल्कुल सामने जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको मेन चौक से दी है, रूपनगर के मेन चौक से। और इस साइट पर पहुँचने के लिए पहले हम आपको रोड दिखा रहे हैं। यहाँ पे 60 फुट का रोड आपको थ्रू मिल रहा है पूरे का पूरा, जो इस प्लाट की तरफ पहुँचता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कोठियाँ वगैरह ऑलरेडी जो है स्पीडली बन रही हैं। ये आगे की तरफ रोड पूरे का पूरा चला जाता है और आगे पीछे जो है इस प्लाट के बहुत ही स्पीडली जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। और ये हो गया मेन 60 फुट का रोड और जिससे जस्ट 2-3 प्लाट छोड़ के ही हम आपको जो है प्लाट दे रहे हैं जो हम सेल कर रहे हैं। 9 मरले का प्लाट है और कॉर्नर प्लाट है और इसमें जो प्राइस है बहुत रीज़नेबल है। 80 लाख रुपए में आपको ये 9 मरले का प्लॉट दे रहे हैं रूपनगर के सेक्टर में, सेक्टर 1B में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लॉट के बिल्कुल साथ में एक नई कोठी बिल्कुल बन गई है। मेन 60 फुट रोड से 4th प्लॉट है और ये प्लॉट है जो हम आपको दे रहे हैं। और ये कॉर्नर प्लॉट है, इसका जो फ्रंट है 61 फुट का एक साइड से फ्रंट है और दूसरी साइड से 30 फुट का जो है फ्रंट है। और आप चाहें जिस तरफ से मर्जी इसको जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्लॉट के बिल्कुल साथ में एक और रोड प्रपोज्ड रोड है जो 30 फुट का रोड है, जो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं और इसका कंक्रीट में भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर कंक्रीट पड़ा हुआ है और आने वाले समय में ये सारा का सारा जो है थ्रू रोड है और आप चाहें यहाँ पर दोनों तरफ से अपना कोठी का जो है फेस कर सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग में अगर आप चाहें तो आपका जो फ्रंट है 62 फुट का फ्रंट बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत कोठी बन सकती है। और आप अगर प्लान करें यहाँ पे तो शॉप्स वगैरह बना सकते हैं एक साइड पे, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड के साथ में लगते हुए ये प्लॉट आपको मिल रहा है। और ये सारा रोड जो है कुछ ही समय में जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोठियाँ वगैरह ऑलरेडी सारी बन चुकी हैं और जो प्लॉट बच गए हैं उसकी भी जो है फास्टली जो है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और आपके लिए प्लॉट के बैक साइड का व्यू एक बार हम करवाना चाहते हैं आपको। एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं 60 फुट की रोड से और ये रोड जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया ऐसे ही बैक साइड पे रोड है, पूरा कंक्रीट का रोड, 30 फुट का रोड है जो थ्रू रोड चल रहा है। और आप देख रहे हैं आगे पीछे कोठियाँ बहुत ही स्पीडली जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हम चाहेंगे कि आप भी ये प्लॉट ले कर अपने सपनों का घर जो है बना लें। और क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉलोनी है, रूपनगर की कॉलोनी में बहुत डिमांड होती है। आप देख रहे हैं अभी मैं आपको एक खूबसूरत सा घर दिखा रहा हूँ। आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग से ये घर बना हुआ। ये प्लाट्स हैं जो हम आपको दूसरी साइड से दिखा चुके हैं, एक बार बैक साइड से फिर दिखा रहे हैं। रोड का पूरा आइडिया देने के लिए ये मैंने बैक साइड से शूट किया है, वो बैक साइड से हम आपको पूरा जो है इसका आइडिया दे रहे हैं। ये यहाँ तक आ गया और यहाँ से चलते हुए आप देख रहे हैं कंक्रीट का यहाँ पे आपको कुछ जो है साइंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से चलते हुए ये हम 30 फुट के रोड से घूमते हुए कॉर्नर प्लॉट पे एक बार फिर से पहुँच गए। ये है प्लॉट जो हमने पहले भी दिखा चुके हैं आपको और इस प्लॉट के लिए आपको कह रहे हैं कि आप सुनहरी मौका है कि आप इस प्लॉट को परचेज़ कर लें, क्योंकि रूपनगर के एरिया में प्लॉट्स की जो है काफ़ी सारी डिमांड है और प्लॉट्स जो क्लियर कट हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस प्लॉट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हो सकता है आपके किसी दोस्त को या आपके किसी चाहने वाले को रूपनगर के एरिया में प्लॉट की जो है ज़रूरत होगी, और आप हमारा ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।